हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आनंद आईटीएम में मैं आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मिलीमीटर से इंच तथा इंच से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अपन जब वर्कशॉप में काम करते हैं या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या अपन कहीं एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे सामने कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अपन उसको तुरंत हल नहीं कर पाते, उसके लिए हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपका समय वेस्ट ना हो ज्यादा, इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला लेके आया हूँ, जिससे आप तुरंत मिलीमीटर से इंच तथा इंच से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा जो लाल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें तथा उस पर ऑल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उस पर प्रेस करके हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है आप सबसे पहले प्राप्त करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मिलीमीटर से इंच तथा इंच से मिलीमीटर बनाना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिलीमीटर से इंच बनाना, कि मिलीमीटर अगर क्वेश्चन आ जाए तो इंच में उसको कैसे बनाते हैं। तो मिलीमीटर से इंच बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले पढ़ रहे कन्वर्ट टू इंटू एमएम टू इंच। तो फार्मूला है इसका एक जो बता रहा हूं मैं आपको, फार्मूला आप याद कर लेना, एमएम इंटू 5/127 इंच, ठीक है, इक्वल टू इंच में चेंज करना। तो क्वेश्चन बना कि 10 mm को इंच में बदलो। क्या क्वेश्चन अपने सामने कि 10 mm को इंच में कन्वर्ट करो। अब 10 mm को इंच में कन्वर्ट करने में हमें काफी टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए अपन ये फार्मूला तुरंत यूज कर लेंगे। तो ठीक है, ये फार्मूला अपन यहाँ लगा देते हैं, mm इंटू 5/127, ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया अपन ने इस पे। तो mm कितना दिया हुआ 10, तो यहाँ पे 10 लग 10 लिख दो इंटू 5/127, ठीक है, 127 आ गया। इक्वल टू इसको हल करो तो कितना 50/127 127। अब इसमें 50 में 127 का आप इसमें भाग लगा दो तो लगभग इसका जो मान आएगा वो इंचों में 0.0393 इंच के लगभग, यानी इंच के लगभग उत्तर आ जाएगा। यानी अब अपन 10 mm को इंच में कन्वर्ट करना है तो इस तरह अपन हल कर सकते हैं mm इंटू 5/127 से। तो ये हुआ आपका एक mm को इंच में कन्वर्ट करने का फार्मूला। अब अपन पढ़ते हैं कन्वर्ट इंटू इंच टू mm, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इंच टू mm में, ठीक है, कन्वर्ट करना है कि उसको कैसे पढ़ते हैं। अब कन्वर्ट इंटू mm टू इंच में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें एक नया फार्मूला लगा देंगे। जो फार्मूला होता है वो अपना होता है इंच इंटू, क्या होता है, इंच इंटू इंटू 127/5, जो वो अपन ने पहले फार्मूला पढ़ा उसका ऑपोजिट होता है बिल्कुल, ठीक है। और इसको अपन कन्वर्ट किसमें करेंगे, mm में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, किसमें, mm में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन ने सामने क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अपन को पूछ लिया, मान लीजिए अपन ने सामने क्वेश्चन दिया कि जो वो है 15 mm, उसको इंच, सॉरी वो नहीं, दूसरा बता दो कि 3/32 इंच है, मान लीजिए 3/32 इंच है, उसको आप mm में कन्वर्ट करो, किसमें करोगे, mm में कन्वर्ट करना है। mm में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें वो फार्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, जो अभी मैंने आपको बताया वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है पहले वाले फार्मूला का। अभी अपन ये पढ़ रहे हैं इंच से मिलीमीटर बनाना, तो इंच से मिलीमीटर बनाने का फार्मूला था इंच टू 127/5 इक्वल टू mm में बनाना। तो इसमें अपन को पता है कि क्वेश्चन दिया अपने को 3/32 इंच को mm में कैसे बदलते हैं, तो इसके लिए अपन सीधा फार्मूला लगा सकते हैं ये वाला। तो इंच क्या लगाएंगे, इंच इंटू 127/5, ठीक है, या इक्वल टू किसमें, mm में, ठीक है ये। तो अब इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो इंच किस ये मान लग देंगे, तो कितना है 3/32, ठीक है, 3/32 इंटू 127/5, वो ऑपोजिट है बिल्कुल इसका, देखो ऊपर पहले 5/127 को फार्मूला लगा के अपन फिट कर रहे हैं, तब इसको हल करोगे तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 127 इंटू 3 करोगे तो लगभग कितना मान आता है आपका, आता है लगभग 1397 के लगभग 1397/5, ये नीचे कितना है 32 को 5 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, लगभग लगभग आता है 160, ठीक है। तब इसमें 160 का 1397 में भाग देना है अपन को, तो भाग देने के लगभग अपने सामने mm में इसका मान निकल के आएगा, वो mm का जो मान होगा वो होगा 8.731 mm,
तो ठीक है, आज का वीडियो में अपन ने पढ़े ए मिलीमीटर से इंच था, इंच से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। तो पहला जो अपन का फार्मूला था वो क्या था, बिल्कुल सिंपल सा था, एमएम इनटू 127 सॉरी 5/127। ठीक है, ये पहला फार्मूला था, ये पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला क्या था अपना, दूसरा फार्मूला ये है इंच वाला, इंच इंटू 127/5। तो ये दोनों चेंज कर सकते हैं, पहले मिलीमीटर से इंच में बदलना और इंच से मिलीमीटर में बदलना, इन दोनों फार्मूले से अपन हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको ज्यादा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अपन।